की बेबी कोल्हान की शेरनी के नाम से जानी गई और हम झारखंड में कोलांचल शेरनी के नाम से जाने गए। कहीं विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं अभी। लोग आ रहा है सोशल मीडिया में कि पूजा मत बेरमो से गोमिया से चुनाव लड़ सकती है। अभी भी हम घर में एक दिन भी रेस्ट नहीं रहते, चाहे 5 आदमी हो 10 आदमी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विधानसभा में हम अपना योगदान देते, क्योंकि हमारा फोकस हमारी अध्यक्ष की जीत है। जरा मत चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, हारने से पहले हार और जीतने से पहले जीत नहीं माननी चाहिए। जोहार, आज हमारे साथ झारखंड के चर्चित, जिसे पूजा महतो नाम से जाना जाता है, जो JBKSS या टाइगर जयराम महतो के आंदोलनों में दिखती है। अभी JBKSS महिला मोर्चा का गठन हुआ है, जिसमें एक कोषाध्यक्ष, केंद्रीय कोषाध्यक्ष का पद मिला है, और महिला मोर्चा को हर जगह महिला पुरुष सभी बूढ़े बुजुर्ग बच्चों सबको जगाने में और टाइगर जयराम महतो को वोट दिलाने को लेकर साथ ही साथ अलग अलग विधानसभा लोकसभा में घूम रही हैं। पूरे झारखंड के अलग अलग जगहों पर दिन रात एक कर दिए कि जयराम का सरकार बनाएंगे। कितना मजबूत है, कितना ये अपने तरफ से टाइगर जयराम महतो को चुनावी माहौल में, चुनावी सांसद में, राजनीति में परचम लहराने में अपना योगदान दे रही है। सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार। कब से आप टाइगर जयराम महतो से जुड़ गए और पूरे तन मन धन के घर त्याग कर अभी जुड़े हुए हैं? देखिए, आंदोलन जब देखे थे, जब एक चिंगारी लगा था कि बाहरी भाषा ना चलते, तब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे और उस टाइम लगता था कि कुछ करना चाहिए, मतलब अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन उस समय क्या होता था कि वो जो सोचते थे वो कर नहीं पाते थे। फिर हम क्या हुआ, ऐसे घर बैठे टाइम पास के लिए लोग रील्स देखते, सोशल मीडिया यूज़ करते, तो हम गाना लिखना स्टार्ट किए, क्रांतिकारी खतियानी गाना। तो फिर उसके बाद वो मेरा सिलसिला चला, 3-4 गाना लिखे। फिर उसके बाद अभी जो 23 मार्च आने वाला, 23 मार्च को ही ना विधानसभा घिरा हुआ था, तो उसमें मेरा और बेबी का सोशल मीडिया से दोस्ती हुआ था। तो बेबी बोली कि चलो, ऐसा नहीं कि आंदोलन बस भाई लोगों के लिए होता है, पुरुषों के लिए होता है, हम लोग भी तो एक स्टूडेंट है। तो वहाँ गए तो वहाँ हम लोग का एक नया जन्म हुआ, जो माता पिता जन्म दिए थे, लेकिन एक नया पहचान हुआ कि बेबी कोल्हान की शेरनी के नाम से जानी गई और हम झारखंड में कोलांचल शेरनी के नाम से जाने गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर सीएम आवास घेराव हुआ। सीएम आवास घेराव के बाद हम लोग, हम और बेबी मिलके एक जन जागरण स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग में डिसाइड किए कि बड़ा बड़ा सभा होता है, टाइगर जयराम महतो का प्रोग्राम होता है, उसमें ज्यादा पुरुष लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप ही अगर बाइक में है, आप लोग, आप है अशोक भैया यूट्यूबर है, तो एक बाइक में तीनों चले जाएंगे, लेकिन कोई महिला अगर जाना भी चाहती तो जाएगी की कर भी, दिन रात भी हो जाता है, हाँ तो जाएगी की कर भी। तो हम लोग सोचे कि हम लोग वो लोग तक पहुंचे। तो जब हम लोग ये सब चीज को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, उसमें कॉन्फ्रेंस में हम, बेबी, रूपादी, पनेश्वर और शैलेश भी, हम लोग इतने ही कोई थे। तो पनेश्वर के यहाँ से आया कि ज्यादा कोई नहीं जुटेंगे, तो हम, बेबी बोले कि कम से कम 100 होना चाहिए, हम बोले कि चलो 10 भी होगा, 10 में हमारे विचारधारा जाएंगे तो 10 जुड़ेंगे, तो वो 10 तो हमारे होंगे। तो इस तरह करके हम लोग शायद मई या जून में हम लोग जन जागरण स्टार्ट किए, जो हर गांव, हर कुली, हर पंचायत के महिलाओं को जगाने का काम किए। और सबसे ज्यादा इसमें हम लोग को देखने मिला, सबसे ज्यादा इच्छुक थी रामगढ़ की महिलाएं। सबसे ज्यादा हम लोग रामगढ़ जिला में गए, उसके बाद अन्य विधानसभा अन्य जिला में गए, उसके बाद क्या हुआ कि हर जगह से, हर पंचायत से महिला तैयार हो गई, तो ये एक मजबूती मिला। और अभी सामने लोकसभा है और हमारे जो अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं हम बोले कि जब देखते थे वीडियो वो हमारे अंदर था, तो आज जो हम बोल रहे हैं या आज एक झारखंड की बेटी के नाम से जाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष के देख के या उनसे सीख के आज मेरा जो बोली है वो निकल रहा है, नहीं तो कहीं हम एक घर की बेटी, एक रूम अपने आंगन तक ही सीमित थे। तो अभी हमारे जो अध्यक्ष है वो गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी है, तो हमारा आन बान शान जो हमारे अध्यक्ष है तो गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी है, तो हम हमारे जो अध्यक्ष है वो तो अपना काम कर ही रहे, लेकिन हम उनको किस तरह से सपोर्ट करें। इसलिए दिन हो रात हो, फिलहाल में जब अभी ठंड पड़ रही थी, लास्ट टाइम बहुत बरसात भी हुई, लेकिन बरसात में भी हम नहीं रुके और अभी भी हम घर में एक दिन भी रेस्ट नहीं रहते, चाहे 5 आदमी हो 10 आदमी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विधानसभा में हम अपना योगदान देते, क्योंकि हमारा फोकस हमारी अध्यक्ष की जीत है। पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होता है? देखिए, 2022 में ही हमारा पीजी कंप्लीट हुआ था और उसके बाद हम सीजीएल और जेपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की फॉर्म भी भरे हुए थे जो पेपर लीक हो गया, तो उसके बाद
22 लास्ट में ही हमारा पीजी कंप्लीट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ 23 के मार्च में ही हमारा नया जन्म हुआ। तो हम आंदोलन में लेके पीजी कंप्लीट होने के बाद आंदोलन में भी थे, फिर पढ़ाई करते थे, बुक वगैरह देखते थे क्योंकि फॉर्म भरे हुए थे। और अभी कहीं ना कहीं सुबह घर से निकलते हैं कभी पढ़ाई से दूर हो गए हैं। हाँ, कभी कभी बहुत मुश्किल से बुक देखते हैं क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, यहाँ गए वहाँ गए और हमको बाहर का खाना ज्यादा हजम नहीं होता है, तो हम भूखे भी रहते, रात में आते सो जाते, फिर सुबह वही रूटीन है। तो जिस दिन एक दो घंटे घर में रहते हैं बोर होते हैं तो झारखंड से रिलेटेड बुक वगैरह उस टाइम देखते हैं। उससे क्या होता है कि सीख भी मिलता है क्योंकि हम लड़ाई तो झारखंड की लड़ रहे हैं, मुद्दा तो हमारा झारखंड की है, बात तो हमें झारखंडियत की ही करना है। तो उस टाइम ऐसा नहीं कि हम CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बुक या JPSC, नहीं, झारखंड के मुद्दे की भी बुक हो गए, जैसे झारखंड दर्पण में उसमें भी बहुत सारा चीज होता है, संघर्ष शोषण है और भी अन्य बुक है, वो सब तो हम देखते हैं। ठीक है, टाइगर जयरामतो का चुनाव सामने आ गया है, चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, दिन रात बोल रहे हैं एक कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जरा मतो चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, हारने से पहले हार और जीतने से पहले जीत नहीं माननी चाहिए। तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम वहां पे मान भी नहीं सकते जयराम महतो हार रहे, और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो हम अपना 100% दावा नहीं करेंगे कि जयराम महतो जीत रहे। हमारा गांव घूम रहे हैं ना, किस तरह का माहौल? हाँ, माहौल तो देखिए भीड़ और वोट में फर्क होता है, माहौल बहुत अच्छा है, मतलब उस टाइम लगता है कि हाँ हमारा जीत तय है। लेकिन जब विपक्ष हमारे जो होंगे वो मैदान में आएंगे तो कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि हम हार रहे हैं। तो इसलिए जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार हम तय नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है उसमें हमारा फोकस है कि हमें संघर्ष करना है, हमारा जो विचारधारा है, जो एक घर के, एक गरीब घर के बेटा है, या हम हो या आप हो, हम लोग फर्स्ट टाइम राजनीति में कूदे, इससे पहले आप भी मीडिया में नहीं थे, इससे पहले हम भी आज एक वक्ता के रूप में नहीं थे, तो हम लोग को विचारधारा पहुंचाना है। हम गांव घर की महिलाएं, दादी बूढ़ी दीदी जो भी, हम उनसे कनेक्ट हो, वो हमसे कनेक्ट हो, ताकि सब मिल के जयराम महतो को आगे बढ़ा सके। क्या कह के आप वोट मांगते हैं टाइगर जयराम महतो के लिए? देखिए, सबसे पहले जयराम महतो पूरे झारखंड के लिए आवाज उठाए थे, ठीक है, तो अगर पहचान की बात हो, हक अधिकार की बात हो, तो मुद्दा सबका सेम है। उसके बाद कि महिलाएं भी जानती है, क्योंकि अगर दर्री कुर्सी बढ़ रहा है महिला के समूह में तो वो महिला ले रही है, हम ही लोग कहीं जाते हैं तो कुर्सी निकलता है तो अन्य पार्टियों के उसमें नाम लिखी रहती है, दर्री निकलता है और डिजाइन से पता चल जाता है कि किस पार्टी की है। तो महिला लोग भी समझ गई है कि दर्री कुर्सी भी एक समूह तक है, लेकिन वो उस दर्री में बैठने से हमारा पेट नहीं भरेगा, उस दर्री में लिखने से हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन नहीं कर जाएंगे, वो पढ़ के जॉब नहीं ले लेंगे, या बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से पेपर लीक हो रही, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, हम जो बोले वो मेरे बातों में हम उनको बहका नहीं रहे, जो है झारखंड में जो चल रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो दिख रहा है। तो वो खुद बोलती है कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए था, जब ये आवाज उठाते थे, जब ये मुद्दों की बात करते थे, तो हम लोग 24 का वेट करते थे कि जयराम महतो को हम लोग वोट देंगे, लेकिन वो समय आ गया, वो मुद्दा आ गया है, तो जयराम महतो को इस बार वो लोग कुर्सी में बैठाने के लिए तैयार। कहाँ कहाँ आप दौरा कर चुके हैं टाइगर जयराम महतो पंचायत यात्रा जो घूम रहे हैं, गिरडी लोकसभा कैंडिडेट पे घोषणा हो गई, तो कहाँ कहाँ आपने दौरा करके टाइगर जयराम महतो या JBKSS को मजबूत करने में अपना योगदान दिया? इससे पहले तो हम लोग एक विधानसभा या एक लोकसभा तक हम सीमित नहीं थे, लेकिन हमारा फोकस अभी गिरिडीह लोकसभा में, तो इससे पहले गोमिया मेरा बहुत झुमरा के पहाड़ जंगल में एक एक घर एक एक गांव तक हम लोग गए, डुमरी भी गए, अभी ज़्यादा फोकस हमारा बेरमो विधानसभा में ही है, और अभी जितने तक भी कार्यक्रम इससे आज से पहले चल रहे थे बेरमो विधानसभा में, आगे की भी रणनीति बेरमो विधानसभा में तय है, और बाकी जितने विधानसभा बचे जयराम महतो घूम ही रहे, और हमसे जितना तक हो जाएगा हम मेहनत करेंगे। आप कहीं विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं, नहीं। लोग आ रहा है सोशल मीडिया में कि पूजा महतो बेरमो से गोमिया से चुनाव लड़ सकती है? नहीं, हम कभी ये तय नहीं किए थे, क्योंकि हम एक आंदोलन को सपोर्ट किए थे, और हम आपको भी या सबको भी बोलते हैं, हम जो कर रहे हैं वो हमारे अध्यक्ष के लिए कर रहे हैं, और जो हमारे अध्यक्ष का निर्णय होगा, अगर वो चाहेंगे चुनाव लड़े और जिस विधानसभा से लड़े तो वो अगर स्वीकार पर कर पाएंगे तो करेंगे, वो चाहेंगे पूजा महतो चुनाव ना लड़े, बस एक स्टार प्रचारक ही बन के रहे, तो वो भी हमें स्वीकार है।
चलिए पूजा महतो से आपको रूबरू करवाया। फिलहाल अभी गिरडीह लोकसभा के सांसद की तैयारी में जुटी हैं, विधायक की अभी नहीं सोची है। बाकी इनका निर्णय कहा कि टाइगर जयराम महतो कहते हैं, अगर वो टिकट देंगे विधानसभा में तो सोचा जाएगा। बाकी विचार आप लोगों का कैसा रहा, इनके विचारों का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जोहार आप सभी को, विदाई लेता हूँ। जोहार आपको, जोहार आपको भी। चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को झारखंडी क्रांतिकारी जोहार रहेगा।